माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रविवार को सुपेला के एक निजी होटल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सामाजिक शैक्षणिक स्वच्छता व नशा उन्मूलन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। इस समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य की ऐसी महिलाएं जो समाज के प्रति अद्भुत एवं ऐतिहासिक योगदान निरंतर देती रहती है, ऐसी नारी शक्ति को माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह में एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, एसएसबी के डीआईजी थॉमस चोको, उद्योगपति सतीश झाम विशेष रूप से शामिल रहे। माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट, जी हाँ, ये एक ऐसा ट्रस्ट है जिसके द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने, बहुत से ऐसे परिवार के बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें मदद कर शिक्षित किया जा रहा है। साथ ही माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट ने समाज के हर वर्ग के लिए बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी देते हुए उनके हित में कार्य किया है और अपना दायित्व निभाया है। साथ ही समय समय पर सम्मान कर उत्साह भी अलग बढ़ाया है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा नारी शक्ति का सम्मान किया गया। समाज में बेहतर कार्य करने वाली महिला शख्सियतों को यहाँ पर शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर नगर निगम महापौर नीरज पाल व दुर्ग SP अभिषेक पल्लव की मौजूदगी में नारी शक्ति को सम्मानित किया गया। She has been working for public awareness and education of underprivileged children since years. महिला दिवस के किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी द्वारा रखे हुए कार्यक्रम में सुजाता दास जी गई हुई हैं, तो उनकी जगह पे MB श्रुति जी आई हुई हैं। MB श्रुति जी, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। Next, we would like to honor Cost and Management Accountant Poonima Goyal ji. माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट ने इसका उद्देश्य बताया है। माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट आज लगभग 45 महिलाओं का सम्मान किया जो अपने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रही हैं। ऐसी महिलाओं को आज सम्मानित किया गया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या एजुकेशन के हर क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आज अभिषेक पल्लव जी SP दुर्ग, थॉमस चाको जी DIG, अशोक कुमार जी जो कमांडेंट हैं, इस इंडस्ट्रियलिस्ट सतीश झाम जी, मनीष गुप्ता जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। और ये लोग आज शहर की एक ऐसी पहचान है जिन्हें देख करके बाकी लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो सोच थी वो ये थी कि महिलाओं का सम्मान ऐसे हाथों से हो जो आज खुद ही एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं मुख्य रूप से ये कहना चाहूँगा कि कैटेगरी से ज़्यादा क्राइटेरिया ये था कि क्या रियल में ये महिलाएँ बाहर अच्छा कार्य कर रही हैं, समाज में अच्छा दे रही हैं, चाहे वो क्षेत्र कुछ भी हो। यहाँ पे ये संख्या नहीं थी कि 5 महिलाओं को जो चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। यहाँ ये बार नहीं था, यहाँ ये था कि जो भी महिलाएं बेहतर कार्य कर रही हैं, समाज को बेहतर तरीके से कुछ दे रही हैं, ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जाए। सम्मानित महिलाओं ने माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट की इस पहल के लिए प्रशंसा जाहिर की। सभी महिलाओं में उत्साह गजब का नजर आया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।